हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में कि ये क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरजेक्शंस, द वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ सैडनेस, हैप्पीनेस, डिसलाइक, पेन, साइलेंस, जॉय और वंडर एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। हम कोई भी फीलिंग, सडन फीलिंग, ठीक है, हमने कोई चीज़ देखी, उसको देख के हमारा सडन रिएक्शन जो आया, सडन फीलिंग जो आई, उसको एक्सप्रेस करते हैं हम किसके थ्रू? इंटरजेक्शन के थ्रू। ठीक है, अब इंटरजेक्शन के एग्जांपल हम समझते हैं। एग्जांपल क्या क्या है? हुर्रे, ब्रेवो, वाव, आह, आउच, अलास, एक्सेट्रा, ये सारे इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स है। द वर्ड वाव इज यूज टू शो सरप्राइज एंड प्लेजर। ठीक है, एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ लवली गार्डन। अब आप किसी गार्डन में गए, आपको गार्डन बहुत अच्छा लगा, तो आपका सडन रिएक्शन क्या आएगा? वाओ, ये गार्डन तो बहुत अच्छा है। द वर्ड ब्रेवो इज यूज टू शो प्लेजर, समबडी हैज डन समथिंग ग्रेट। एग्जाम्पल, ब्रेवो, वेल प्लेड। ब्रेवो हम किसी के लिए यूज करते हैं जब हम किसी के जो एक्टिविटी है, किसी का एक्शन है, वो हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे? ब्रेवो। जैसे कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लाया या उसने बहुत अच्छा गेम खेला, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? ब्रेवो। ठीक है, एग्जाम्पल, ब्रेवो, वेल प्लेड, ब्रेवो, तुमने बहुत अच्छा खेला। वी यूज श और श टू टेल समबडी टू बी क्वाइट। एग्जाम्पल, श द बॉय विल वेक अप। ठीक है, हम श का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम किसी को चुप कराने के लिए कोई एक्शन करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? श, चुप हो जाओ। ठीक है, आपके टीचर, जब आप क्लास में शोर मचा रहे होते हो, तो आपके टीचर आपसे बोलती है ना, चुप हो जाओ, शोर बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे श क्या है? आपका इंटरजेक्शन है। ऐसे यहाँ पे भी बताया गया है, श द बेबी विल वेक अप, चुप हो जाओ, श नहीं तो बच्चा जाग जाएगा। हुर्रे और हुर्रे इज अ शाउट ऑफ जॉय। जब हम कोई मैच जीत जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा हमें खुशी होती है कुछ जीत जाने की या कुछ हमें मिल जाता है, तो हम साउंड कैसे निकालते हैं? हुर्रे का। ठीक है, हुर्रे, इंडिया हैज वॉन दिस मैच ऑल्सो। अब यहाँ पे हम अपना अपनी फीलिंग्स को दर्शा रहे हैं। हुर्रे, इंडिया मैच फिर से जीत गई। आउच इज अ क्राई शोइंग सडन पेन। ठीक है, आउच हम कब निकालते हैं? जब हमें चोट लगती है, जब हम सडनली किसी चीज़ से टकराते हैं या कोई पिन हमें आके चुभ जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? आउच, मुझे दर्द हुआ, ऐसे करके। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। आउच, यू हैव स्टेप्ड ऑन माय फुट। अब कोई आपके पैर पे एकदम से पैर रख दे, तो आपका रिएक्शन क्या निकलेगा? आउच, तुमने मेरे पैर पे पैर रख दिया। ओ इज यूज टू एक्सप्रेस सैडनेस और वंडर। अब सैडनेस में हम ओ यूज करते हैं, ओ मतलब ये तो बहुत बुरा हुआ, और वंडर, ओ मतलब हम सोच रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, ओ वी लॉस्ट द मैच, मतलब हम कोई चीज़ हार गए, हम सैड हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ओ वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। और ओ आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग, तो यहाँ पे हमारा एक्शन क्या आएगा? ओ आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था लेकिन मैं बताना भूल गया। अलास इज यूज टू एक्सप्रेस सॉरो। जब हम बहुत दुखी होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? अलास। एग्जाम्पल, अलास, मोनिकाज पेट कैट इज नो मोर, मतलब हम सैड होके बता रहे हैं कि अलास, मोनिका की जो कैट थी वो अब नहीं रही। आ इज यूज टू एक्सप्रेस जॉय, वंडर, सैडनेस और टू स्टेट दैट वन अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, आ नवीन somehow got a job। ठीक है, आ जो होता है ये different kind of emotions में हम use करते हैं, हम joy में भी use करते हैं, wonder में भी use करते हैं, sadness में भी use करते हैं, या फिर हम कुछ समझते हैं, हम कुछ समझ रहे हैं या कुछ हम समझ चुके हैं, तो उस state में भी हम आ का use करते हैं। अब यहाँ पे example दिया है, आ नवीन को finally job मिल गई। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको इंटरजेक्शन का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।